तरीके का कैरेक्टर निभा रहे हो आप, किस तरीके का किरदार है आप इसमें? मैं छोटू का किरदार निभा रहा हूँ जिसमें मैं अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता एक्चुअली। एंड आप किस तरीके का कैरेक्टर निभा रही हैं? मैं छोटू की सिस्टर परी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। एंड मैंने जैसे आपको पहले ट्रेलर में देखा कि आप उसमें ग्लैंड और शाहरुख खान जी के पीछे भाग गए, शाहरुख खान का बहुत बड़े फैन, इसके बारे में नहीं, मैं हूँ शाहरुख की फैन, सलमान खान के फैन। मैं सलमान खान का फैन हूँ, इसलिए मैं सलमान खान का प्रोड्यूसर बन गया था। लेकिन आप फैन शाहरुख खान के मतलब और मिलने जा रहे हैं सलमान खान के फैन और मिलने जा रहे हैं शाहरुख खान से, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे बड़ी शाहरुख खान की फ़ैन हूँ और क्रिश मतलब छोटू नहीं चाहता कि मैं उसे लेके जाऊँ शाहरुख खान के पास, वो ज़बरदस्ती आ रहा है, इसलिए मैं उसका हाथ पकड़ कर खींच के सब जगह लेके जाती हूँ, छोटू चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, इज वेरी नॉटी इन द फिल्म। क्रिश कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा, कैसा मतलब आपको फील रहा मतलब? मुझे एक्चुअली में बहुत मज़ा आया नागेश सर के साथ, जब मैंने नागेश सर के साथ एक बेट लगाया था कि पैकअप होने के बाद एक रेस रहेगी ड्यून्स में ऐसा, तो ऑफ कोर्स नागेश सर जीत गए। मेरा सर और मैम के साथ बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, ये मेरा फर्स्ट फिल्म है इसलिए मेरी बहुत मुझे मज़ा आया शूट करने में। हम लोग शूट के दौरान हम लोग एक गेम खेलते थे, 4 Pics 1 Word फ़ोन में, तो उसमें हम लोग ने बहुत लेवल हाई किए, जैसे ही कट होता था फ़ोन लेके सब लोग बैठ जाते थे कि यू आर इन विच लेवल, यू आर इन विच लेवल, आई एम इन 243, इस टाइप का था। और छोटू का एक था कि हम सब लोग उसके गाल बहुत ज़्यादा खींचते थे, उसके गाल बहुत सॉफ्ट है इसलिए हम बहुत ज़्यादा छोटू को परेशान करते थे, अभी नहीं करते, अब नहीं करते, और छोटू के साथ काम करके मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हाँ मैंने बहुत टी वी का एक्सपीरियंस और फिल्म का एक्सपीरियंस इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा ये था, स्पेशली जब मैंने सर के साथ काम किया मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और उन्होंने ये कभी हमें फील नहीं होने दिया कि यू हैव टू डू इट, एनी हाउ यू हैव टू डू इट, उन्होंने गेम की तरह हमारे साथ ये पूरा फिल्म शूट किया और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए ये किरदार निभाना? सर थे तो वो हमें अच्छे से प्यार से समझाते थे तो ईजी तरीके से हुआ, बट कुछ कुछ सीन्स थे जो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। एक सीन था जिसमें मैं फेंट हो जाती हूँ और क्रिश रोता है कि मेरी दीदी को कोई उठाओ ये वो, तो उस सीन में मैं सुबह से ही फेंट हुई थी और पोजीशन में ही मुझे रहना था, कट भी होता है तो भी आई कैन नॉट गेट अप क्योंकि वो जो ड्यून्स होते हैं वो उसका शेप खराब हो जाता है, इसलिए मैं सुबह से फेंट थी, शाम कुछ हो गया, बीच में लंच ब्रेक हुआ ये वो, तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसी पोजिशन में मैं सोई थी, बट मैं तब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बट मैं ज़्यादा इमोशनल तब हुई जब सर मेरे पास आए अकेले, उनके एक हाथ में बनाना था एक हाथ में दाल खिचड़ी और उन्होंने मुझे अपने हाथ से वो खिलाया, सो दैट पार्ट वाज वेरी इमोशनल फॉर मी। एंड आपके लिए कितना मुश्किल रहा ये? मेरे लिए ये बहुत मुश्किल रहा, जब मैं अंधे की एक्टिंग कर रहा था तो बार बार मुझे इधर देखना पड़ रहा था, जब आगे से कुछ हो रहा था तभी वो मुझे पता नहीं चल रहा था इसलिए मैं बार बार ये देख रहा था, तभी मैं कभी कभार पूछता था, जब कभी कभार ऐसे कभी पूछ लेता था। तो कितना मतलब मुश्किल रहा, मतलब कि एक अंधे का किरदार निभाना बहुत मुश्किल, एक कठिन टाइप का किरदार है, सो क्या क्या डिटेलिंग करनी पड़ी आपको, किसी ने आपको बताया कि हाँ यार ये जो ब्लाइंड लोग जो होते हैं वो इस तरीके से रहते हैं इस तरीके से? हाँ, तो किस तरीके से? शूट से पहले मैं एक दिन के लिए ब्लाइंड स्कूल गया था, मुझे लेकर गए थे और हम लोग वहाँ पर ऐसे ही हम लोग के साथ गेम्स खेल रहे थे, हम लोग ऐसे ऐसे करके पकड़ा पकड़ी वो सब खेलते हैं कि उन लोगों को सुनाई दे तो वो लोग पकड़ते हैं ऐसे बिना देखे। फिल्म में तो जैसे देखा हमने कि आप शाहरुख की बहुत बड़ी फैन हैं, तो आपको रियल में कभी ऐसा मौका मिला, चांस मिला ऐसा? नहीं, बट रियल में मैं शाहरुख सर की बहुत बड़ी फैन हूँ और रणवीर सिंह मुझे दो सलमान खान एंड शाहरुख खान। एंड देखा गया था फिल्म में आप शाहरुख के लिए भाग लो, तो फिल्म में आप शाहरुख खान से मिल पाए हो? हमें शाहरुख सर के साथ करना था सीन शूट, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस उन्हें टाइम नहीं मिला, हम नहीं कर पाए, बट हमने उनके ड्यूप यूज़ की। क्या था, किसी का एक बाल था इसलिए बैक शॉट से कर लिया सब लोग ने ऐसे ऐसे। आगे करने वाले मैंने अभी 2-3 फिल्म्स के बारे में अभी मैंने ऑडिशन दिए हैं एंड लेट अस सी क्या होता है रिजल्ट।
अभी मेरी तलवार आई थी अभी उसमें देखते हैं लोग बोल रहे तो ये मैं आया वो ऐसे है। फिल्म में मतलब क्या क्या मतलब सेट पर कभी ऐसा हो कि नागेश जी मतलब कितने स्ट्रिक्ट थे सेट के ऊपर? स्ट्रिक्ट बहुत बहुत ज़्यादा कम आई थिंक हाँ थे ही नहीं ऑब्वियसली वो थे ही नहीं। हम लोगों ने बहुत मस्ती की। एक सीन था जिसमें हम एक ट्रक से उतरते हैं और मुझे छोटू से पूछना था कि अब हम ट्रैक्टर के लिए रुके या आगे चले। और उस शॉट से पहले हम नाश्ते के बारे में सब बात कर रहे थे, आज हमने ये नाश्ता किया बहुत फुल हो गया पेट ये वो, तो मैं मेरा लाइन भूल गई और टेक में मुझे ये बोलना था कि ट्रैक्टर के लिए रुकना है, तो मैंने क्रिश से गलती से पूछ लिया नाश्ते के लिए रुकना है और पूरा सेट बहुत जोर जोर से हंसने लगा। तो इस पार्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और क्या क्या मेमोरीज रहे जो सेट की जिनको आप कभी भूलना नहीं चाहते हो? ऐसी मैंने जो बताया सर मेरे पास आए थे वो मुझे उन्होंने अपने हाथों से खाना खिलाया वो ये वाला पार्ट, और ऐसे काफ़ी सारे सीन्स थे जिसमें मैं लेटर लिख रही हूँ शाहरुख सर को, और बहुत सारे इंसेक्ट्स मेरे ऊपर यहाँ से चल, क्योंकि राजस्थान में बहुत एक्चुअली सारे जब हम इंसेक्ट्स लोग थे। ऐसे मैं जब लेट रहता है ऐसे पैर बहुत उछल उसे रहा था उसका क्यों सोने का सीन था तभी यहाँ से इंसेक्ट चल रहा है यहाँ से बहुत चल रहा डर है, लग रहा था फिर भी बहुत कर ज़्यादा लिया। हाँ वो डेंजरस था। मैं ऐसे देख कर ऐसे सर और पीछे हाँ से कर रहे थे, मैं वहां से कीड़े को देख रहा था कि आना मत आना मत तो उसमें कितना डर लग रहा था बहुत डर लग रहा था कि कहीं काट एक्चुअली वाट ना ले। बहुत बड़े बड़े वहाँ पर थे इंसेक्ट्स। और मेमोरी पार्ट वो था मेरा जब हम लोग ड्यून्स पर रेस कर रहे थे, हाँ दो टीम थी नागेश सर और क्रिश और दूसरी टीम थी मैं और इलाही मैम। नहीं सो हम दोनों वर्सेस इलाही मैम और सर नहीं ऐसा। जिसमें तू हाँ और हम सर जीत दोनों गए सर थे और ये गिरा भी था उसमें, तो हम सब लोग डर गए ऐसे स्टॉप हो गए, ये खड़ा हो गया ये और हम सब फिर भी आंखें लोग बंद है, फिर भी आंखें बंद करके ये फिल्म का कोई भी एक सीन कोई भी एक डायलॉग अगर आप बोल के दिखाएं दोनों के जो साथ में हो। एक सीन था जिसमें जो चैट करके हैं जिन्होंने दमादम में गाना गाया है उनके साथ हमारा सीन है कि वो फेंट हुए हैं और मैं और छोटू रास्ते से जा रहे हैं और हम उन्हें फेंट देके बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि मेरे मन में होता है कि जो भी फॉरेनर्स होते हैं वो हमें नशे वाली चॉकलेट खिलाते हैं और हमें किडनैप करके लेके जाते हैं। सो मैं उनसे बहुत डर रही हूँ और इसको चॉकलेट चाहिए उसके पास। श्योर श्योर हम पहले वॉकिंग का करते हैं और वहाँ पर चैट का लुक। छोटू छोटू साइड से कर ले, ये लोग बहुत अरे खतरनाक होते हैं। वो पानी मांग रहा है पानी। नहीं छोटू हम उसे पानी नहीं, अरे छोटू हम उसे पानी नहीं देंगे। तुझे पता है ये लोग नशे वाली चॉकलेट खिलाते हैं और फिर हमें बेहोश करके लेकर जाते हैं। चल चल नहीं देना। छोटू बहुत बढ़िया आप लोगों ने करा। एंड जाते जाते क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी फिल्म देखने जाइए धड़क, बहुत अमेजिंग फिल्म है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, कॉमेडी भी है इमोशनल भी है और जो 10 जून को ड्रामा भी रिलीज है, है ड्रामा बहुत भी ज़्यादा ड्रामा किया है इसने, बहुत मस्ती की है। और सब मेरा गायक हाँ रहते थे 10 जून को हमारी छोटे फिल्म रिलीज होने हो रही है हमारी फिल्म। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आप हम लोग की मूवी देखो और हंसो और जैसा आपको लगे आपको मज़ा आए आपके ऊपर। जाते जाते गाल खींचना चाहेंगे आप एक बार? श्योर अभी इलाह मैम को बोला। थैंक यू थैंक यू सो मच।